और दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड एक्सेप्टेड कट ऑफ, कितने नंबर वालों का होगा सिलेक्शन, दौड़ में कितने नंबर वाले लेंगे भाग। यहां पे पूरी डिटेल में बात बताई जाएगी कि कितना कट ऑफ जा सकती है, जिससे कि आप सभी लोग अपना फिजिकल स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिजिकल का लेवल बहुत ही टफ रहने वाला है। एक दिन पहले आपका फिजिकल क्वालिफाइड नहीं होगा, तो आप सभी लोग एक्सेप्टेड कट ऑफ यहाँ पे देख के अपना फिजिकल स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सभी लोगों को सबसे पहले ये क्लियर कराया जाएगा कि पेपर का जो लेवल था वो क्या लेवल था। अभी आप लोगों को सभी लोगों ने अपने अपने आंसर चेक कर लिए होंगे, सबको पता चल गया होगा कि उनकी कितने नंबर बन रहे हैं। फाइनली सबको पता चल गया होगा उनके कितने नंबर बन रहे हैं और कौन सा पेपर में लेवल मैथ रीजनिंग का, जीएस का, हिंदी का हार्ड था। उससे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कितनी मेरिट जाने वाली, आप लोगों को खुद ही पता चल गया होगा। लेकिन पूरा डाटा लिया गया है, यहाँ पे एनालाइज कराया गया है, सबसे नंबर पूछ के पोलिंग कराई गई है, उसके बाद में जो कट ऑफ बन रही है एक्सेप्टेड कट ऑफ वो यहाँ पे बताई जाएगी, जिससे कि आप सभी के माइंड में जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है फिजिकल को लेकर कि कितने नंबर में हम फिजिकल की तैयारी करें कि जिससे कि हम क्वालिफाइड हो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने नहीं गए थे, वो तो बाहर ही हो गए, और कुछ ऐसे जो छात्र थे जिनको पता ही नहीं चला कि एग्ज़ाम था, क्योंकि बहुत पुराना ये पेपर पड़ा हुआ था। और उसके बाद में जो पेपर आया है, पेपर का भी लेवल अच्छा खासा आया है, इजी टू मॉडरेट लेवल में रखा जा सकता है उसे, तो पेपर भी टफ था। तो मेरिट क्या जाएगी ये पूरा यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक्सेप्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। सभी लोग एक्सेप्टेड कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, सभी लोगों ने अपने आंसर तो चेक ही कर लिए होंगे। उस आंसर चेक करने के बाद में आप लोगों को पता चल गया है होगा, यहाँ पे सबसे पहले एक्सेप्टेड कट ऑफ बताई जाएगी जनरल की। जनरल की क्या कट ऑफ जा सकती है, जो जनरल की 130 प्लस या माइनस, एक दो नंबर बढ़ जा भी सकते हैं घट भी सकते हैं। तो जनरल अगर 130 के आसपास अगर आप आ रहे हैं, आपकी कट ऑफ बन रही है, आप अगर 130 के प्लस कर रहे हैं, क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो आप फिजिकल के लिए अपना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं जा सकती है, एक दो प्लस हो सकता है। ओबीसी की बात की जाए, ओबीसी 125 प्लस या माइनस, एक दो नंबर प्लस या माइनस हो सकते हैं। गर्ल्स के लिए बात किया जाए तो 120 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, आप फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। एससी के लिए 110 नंबर, एसटी के लिए 100 नंबर, एसटी के लिए 100 नंबर, और जो एक्स सर्विस मैन है 115 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल इसका अच्छा खासा होगा। अगर आपको फिजिकल के बारे में डिटेल में जानना है, नहीं पता है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, आपके लिए एक नया वीडियो बनाया जाएगा, उसमें पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि फिजिकल में क्या क्या लिया जाएगा, कितना टाइम दिया जाएगा, मेडिकल होगा, मेडिकल में क्या क्या देखा जाएगा, पूरी डिटेल में यहाँ पर आपको बात बताई जाएगी। तो सभी लोग अपना एक्सेप्टेड कट ऑफ चेक कर लें, इससे एक दो नंबर प्लस या माइनस हो सकता है, क्योंकि ये पूरा डाटा जो दिया जा रहा है कट ऑफ का, ये पूरा एनालाइज करा के आप लोगों को दिया जा रहा है। फाइनली जो कट ऑफ आएगी उसमें आप लोग देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये कट ऑफ लेकर और आपको अपना फिजिकल स्टार्ट करना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।